अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बस इसी तरह मैं तेरी जोत बुझाकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। मामी जी, अंधेरे की औकात दिखाना मेरा काम है। ऐसे ही विदान सर के आंखों के सामने मैं अंधेरा हटा के रहूंगी, ये वादा है मेरा आपसे। अंधेरा अच्छाई का दुश्मन होता है, अंधेरे में सारे गलत काम होते हैं, पर जैसे ही उजाला आता है ना, सारे गलत काम करने वाले उल्टे पांव भाग जाते हैं। तो भूल गई शायद कि मैंने तुझसे क्या कहा था। चल फिर से याद दिलाती हूँ। पहला, मैं तेरा अभिमान तोड़ूंगी। दूसरा, तुझे तेरी औकात याद दिलाऊंगी। तीसरा, तेरी ये बची कुची इज्जत उतार के पतंग बना के आसमान में उड़ाऊंगी। मुझे ये चुनौती स्वीकार है मामी जी। विदान सर के सामने मैं सच लाकर रहूंगी, पुरुक को गुनेगार साबित करके उसे सजा दिलवाऊंगी, पुरुक को पुलिस के हवाले करूंगी। मेरी दो ताकत है, पहला सच, दूसरा सिंदूर। जब ये दोनों मेरे साथ है ना, तो आपकी हार निश्चित है। अब आप अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिए। ज्योति, क्या काम आमी है? सब ठीक है ना? क्या हुआ ज्योति, तुम चुप क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या काम आमी ने? कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि एसिड अटैक के पीछे पुरु का कोई हाथ है? फिदान सर, उन्हें सब पहले से पता है। क्या मामी को पता है? पर कैसे? ये बात सुन के जितना आप हैरान हो रहे हैं, वो खबर जब मामी जी को पता चली तो वो इतनी हैरान नहीं हुई, बल्कि उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए अपना मुंह बंद करके दिमाग चलाना शुरू कर दिया। ज्योति, मैं जानता हूँ पुरु से गलती हुई है, पर उसे सच में नहीं पता था कि उस बॉटल में पानी नहीं एसिड है। ये बात भी आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको ये पुरु ने बोला है ना? बस कीजिए विदान सर, आप गुनेगार को और कितना बचाएंगे? गीता में भी लिखा है, गुनाह करने से बड़ा अपराधी वो होता है जो उसे बचाता है। मैं जानती हूँ आप एक बहुत सच्चे इंसान हैं। आप जैसा इंसान किसी के साथ जानबूझ के अन्याय नहीं होने दे सकता, पर आपकी आंखें खोलना जरूरी है विदान सर। तुम सही कह रहे हो ज्योति, असली गुनेगार मैं ही, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। ना तो मैं इंसाफ दिलवा पाया और ना अपने भाई को सही रास्ता दिखा पाया। नहीं हूँ असली अपराधी। अब हर आरोप अपने ऊपर क्यों ले रहे विदान सर? जिसने अपराध किया गुनेगार वो है, सजा भी उसे मिलनी चाहिए। ज्योति, तुम नहीं जानती मेरे लिए मामी और पुरु कितने मायने रखते हैं। अरे बचपन से जानता हूँ मैं पुरु को, वो इतना घिनौना काम कर ही नहीं सकता। और ये मेरी गलतफहमी नहीं, मेरा विश्वास है उस पे, वो इतना नहीं गिर सकता। ये आपको दिया धोखा है विदान सर, गलत फहमी आपकी। मेरा यकीन कीजिए, पुरु ने मुझ पे जानबूझ के एसिड फेंका है। मैं जानती हूँ कि हमारी शादी चाहे जिन भी हालात में हुई हो, पर हमारा रिश्ता, हमारी शादी सच है।
आप मुझे कुछ मानते हैं ना? उस विश्वास के नाते आप मुझे एक दिन का वक्त दे सकते हैं? सिर्फ 24 घंटे मांग रही हूं आपसे। मैं वादा करती हूं इन 24 घंटों में मैं सच साबित करके रहूंगी। मैं साबित करके रहूंगी कि पुरु ने पूरे होशो हवास में जानबूझ के मुझ पे एसिड फेंका था। क्या हुआ विदान सर, अपनी पत्नी को सच साबित करने के लिए 24 घंटे नहीं दे सकते? ठीक है, पर एक बात का ध्यान रहे, घर में किसी को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। मैं नहीं चाहता कोई भी परेशान हो। और ज्योति, अगर तुम्हारा विश्वास गलत निकला, किसी को पता चला, तो रिश्ते इतने टूट जाएंगे कि कभी जुड़ नहीं पाएंगे। मैं वादा करती हूं मैं ये किसी को नहीं बताऊंगी। आप मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है वेदांत सर। आपको दर्द नहीं देना चाहती, लेकिन सच सामने आना भी जरूरी है। हे महाकाल, मुझे वेदांत सर की आंखों पर बंधी इस अंधविश्वास की पट्टी को हटाने में मदद करना। बहुत जल्द आप झूठ को नंगा होते देखोगे वेदांत सर। क्या बात हुई आपकी उस ज्योति के साथ? अरे क्या फर्क पड़ता है क्या बोली वो लड़की? जवाब हम देंगे। ऊट ठहरी गरजने वाली बादल और हम बरसने वाले तूफान। माँ मुझे साफ साफ बात बताओ कि क्या बात हुई उस बदसूरत लड़की से? अरे तुम्हारे गुस्सा होने से तुम्हारे दुश्मन की सेहत पर कोनो असर नहीं पड़ेगा, उल्टा तुम्हारा खून जलेगा। तुम चिंता मत करो, अरे तुम्हारी माँ है ना, सब संभाल लेगी। चिंता नहीं, चिता सजाऊंगा मैं उस ज्योति की। मेरी आंखों में उसकी तबाही है। आप मुझे बता क्यों नहीं रही कि क्या बात हुई है उससे? तो पहले शांत हो जा, ऐसे गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। अरे तुमको क्या लगता है कि कोई तुम्हारा बाल भी बांका कर सकता है? तुम्हारे सामने ये लोहे की दीवार खड़ी है, इसको पार करके आना आसान काम नहीं है। बस माँ, मुझे अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं। अब अपना बचाव मैं खुद करूंगा। पिछली बार उसकी बहन के लिए था, पर इस बार तेजाब उस ज्योति के लिए होगा। और इस बार चीते नहीं, बारिश होगी तेजाब की। चीखेगी, चिल्लाएगी, जलकर राख हो जाएगी। तब जाके शांति मिलेगी पूरू सिन्हा को। तुम्हारे दिमाग की टुकटुकी फट गई है का? तुम ऐसी कोई बेवकूफी नहीं करोगे। तुम्हारी माँ है ना, वो सब संभाल लेगी। अरे जरूरत पड़ी तो पूरी दुनिया को आग लगा के रख देंगे हम, पर तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होने देगी। देख बेटा, ऐसी कोई गलती मत करना जिससे तुम फंस जाए। नहीं माँ, अब आप देखती जाओ कि पूरू सिन्हा क्या करता है। समय कम है और काम मुश्किल। मेरी शक्ति बनना महाकाल, रास्ता दिखाइए जिससे मैं गुरु का असली चेहरा वेदांत सर के सामने ला पाऊं। ये तुम्हारी गलत फहमी है ज्योति। जैसा तुम सोच रही हो पुरु वैसा नहीं है। उसका गुस्सा तेज है, लेकिन वो ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता।
मैंने सोचा था तुमसे शादी करूंगा और सारी चीजें धीरे धीरे शांत हो जाएगी, पर यहां तो हर चीज उल्टी होती जा रही है। महाकाल जी, ज्योति को सही रास्ता दिखाइए ताकि ये घर टूटने से बचे। ये लड़ाई सिर्फ मेरे इंसाफ की लड़ाई नहीं है, मेरे पति का विश्वास पाने की लड़ाई है। कल चाहे जैसे भी हो, मुझे सच को बाहर लाना ही होगा। हेलो। हेलो ज्योति बेटा, सुप्रिया बोल रही हूँ। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ सुप्रिया आंटी, आप कैसे हो? एक बात कहूँ तुझसे, तू मुझे माँ कह सकती है? अगर तू माँ कहेगी ना तो मुझे लगेगा वेदान मुझे माँ कह रहा है। जी मम्मी जी, ये अधिकार मांगने का आपको पूरा हक है। जीती रहे बेटा। और वेदान सर भी ठीक है। अच्छा मम्मी जी, आपसे एक काम था। हाँ बोलना बेटा। आपका एनजीओ इतने सालों से एसिड विक्टिम्स के लिए काम करता है ना, तो आपके तो काफी कॉन्टैक्ट्स होंगे, तो क्या ये पता लगाया जा सकता है कि मुझ पे जिसने एसिड फेंका था उसने एसिड कहाँ से लिया था? क्योंकि आसानी से बाजार में तो मिलता नहीं है, ये पक्का किसी गैर कानूनी तरीके से खरीदा गया है। तू बिल्कुल सही कह रही है बेटा, यहाँ उज्जैन में बैटरीज की फैक्ट्री है जहाँ पर एसिड का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, और वहाँ से सर्टिफाइड डीलर्स के पास एसिड पहुँचाया जाता है। मैं उनसे बात करके तुझे उसे मिलाने ले जा सकती हूँ। फिर जो भी पूछना है उनसे पूछ लेना। थैंक यू मम्मी जी, अब ऐसा लग रहा है भोलेनाथ भी मेरी मदद कर रहे हैं। ठीक है मम्मी जी, मैं कुछ देर में आपके पास आती हूँ। तू घर से निकलते ही मुझे कॉल करना, मैं लोकेशन भेज दूंगी तुझे। ठीक है बेटा। हे महाकाल, आखिर आपने रास्ता दिखाई दिया कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। देखिए ज्योति उम्मीदों से सजी, शाम 6:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।